ये सपने भर हैं। देखिए 70 साल का रोग है, जब हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर 1% GDP भी खर्च नहीं किया, ये कोई 6-7 साल का मिसमैनेजमेंट है या 1 साल का है, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन सरकार जो है या नहीं है, सरकारी दावे और विदेशी मूल्यांकन दोनों में काफ़ी फर्क है। दो वैक्सीन निर्माता कंपनी है भारतीय, उसके उत्पादन, प्रेषण, आपूर्ति, ग्राहकों की सूची की CAG ऑडिट होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी संख्या में टीके का इधर उधर होने का मामला जो है रहस्यमय होते जा रहा है। कुछ कमियां खामियां डिस्ट्रीब्यूशन में, वैक्सीनेशन में आई होंगी, लेकिन इसको मुद्दा बना करके इस प्रक्रिया को बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरा सर, विधायक हैं राजकुमार अग्रवाल, उनके बेटे की कोविड से मौत हुई, वो FIR पुलिस में लिखाने गए तो FIR नहीं ली गई। ये दुखद, निंदनीय और विभत्स घटना है, और मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी इसलिए लेनी चाहिए कि वो गृह मंत्रालय का भी संचालन कर रहे हैं। दूसरा सर, अब जो 1,73,000 मामले हैं, रिकवरी उससे ज़्यादा हो रही है, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो अभी भी 3 और 4 के बीच में है, 3-4 हज़ार। ये सही है कि संख्या घटी है, और उतना ही खतरनाक पक्ष अस्पतालों में भर्ती मरीजों की मृत्यु की बढ़ती हुई संख्या भी। कल जो बंगाल में हुआ, वो की राजनीति, पदों की गरिमा, चाहे वो CM पद हो, PM पद हो, इस पूरे प्रकरण को कैसे दर्शाएंगे आप? नहीं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल है, और प्रधानमंत्री अपनी पार्टी की नहीं, बंगाल की वस्तु स्थिति का जांच करने के लिए गए थे, मुख्यमंत्री को उपस्थित रहना चाहिए था, और इस तरह का अशोभनीय व्यवहार संघीय ढांचे की मूल भावना के विरुद्ध। ठीक है, जो लक्षद्वीप उस पूरे प्रकरण पर कई पार्टियों ने एकजुटता से उनकी जो प्रशासक हैं लक्षद्वीप के, उनकी वापसी की मांग की है, इस पर आपकी नहीं? हमारी पार्टी भी उनकी वापसी की मांग करती है। वो न सिर्फ लक्षद्वीप में उलटफेर के दोषी हैं, 7 बार के MP श्री मोहन ढेलकर जो दमनदीप से आते हैं, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को दोषी ठहराया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से हमारा आवेदन है, निवेदन है कि उन्हें तुरंत मुक्त किया जाना चाहिए।